अज दे समय लुटेरियां दे हौसले इन्ने बुलंद हो गए ने कि उन्हां नूं किसे दा भी डर नहीं है। इस दी ताज़ा मिसाल देखण नूं मिली फरीदकोट विच, जिथे लुटेरियां वल्लों घर विच दाखल हो के मालक नूं कमरे विच बंदी बना लिया जांदा है अते समान सने लखां दी नकदी लुट के रफू चक्कर हो जांदा है। उत्थे जदों पुलिस नूं इस संबंधी शिकायत मिलदी है तां उन्हां वल्लों मुस्तैदी दिखाउंदिआं 24 घंटिआं दे अंदर ही आरोपी नूं काबू कर लिया जांदा है। पूरे मामले की जानकारी दिंदिया DSP सतविंदर सिंह विरक ने दसिया कि आरोपी पहला ही 302 दे मुकदमे विच जेल कट रहा है अते छुट्टी ते आउण तो बाद उसने इस वारदात नूं अंजाम दिता है। तुसी भी सुनो की कहा DSP विरक ने। इस तरह जी, एक बजुर्ग सीगे, उन्हां दा नाम है भगवान दास। वह अपने घर दे विच रात नूं करीब 2:30 बजे सुते पे सीगे। एक व्यक्ति आया, बाद च उहदा नाम सानूं गुरप्रीत सिंह गोपी पुत्र मिंदर सिंह सिखावला रोड संधवा कला फरीदकोट पता लग्या। बेसिकली ये बंदा इन्हों का जो सा मदई आ मुकदमे का भगवान दास का पुराना वाकफ घर सेगा। ये आके रात में इन्होंने पहले तो जिसे कमरे सुता पिया बंदा ये भगवान दास कमरे की लाइट बंद करती। लाइट चलेगी वो जो भगवान उठ के देखने लगे भी लाइट जाने का कारण, तो इमीजिएट इस बंद ने जो मुरजम आ गुरप्रीत सिंह इन्हें वो चादर पा के थले सुट लिया तो वोदिया बाहां बनतियां कमरे खोला खोली की। इनू गुरप्रीत नूं उत्थों एक बैग मिलिया जिहदे लैपटॉप सीगा, नाल करीब 3 लाख रुपया मिलिया जिहड़ा जिहदे कुछ भान सी, 3 लाख रुपया नकद सीगा। उस तों बाद असीं आया इहदा मुकदमा दर्ज किया साडे ASI बेअंत सिंह ने ते SHO साहब साडे SHO सिटी बैठे ने, इन्हां ने इस मामले नूं आप तहकीकात किया ते साडी पुलिस टीम ने जी ASI बेअंत सिंह ने अपने SHO साहब ने साडे इन्हां ने दोषी नूं पहला तो उस बंद ने शक जाहिर किया भी इस मेरे को यह बंदा जरा आता जाता पहला तो उन्होंने शक से भी हो सकता इस बंद ने वारदात की हो क्योंकि यदा पहला तो रिकॉर्ड शक के अधीन सगा। इस इन्होंने साड़ी टीम ने उन्होंने राउंडअप किया पूछगिछ की। पूछगिछ के दौरान जोड़ा इतों 3 लाख रुपया उस 2,24,580 रुपये बरामद हो चुके हैं तो लैपटॉप HP का वह बरामद हो गया जी, बैग बरामद हो गया जिहड़ा उहदा आधार कार्ड सीगा उहदे विच लैके गया वह बरामद हो गया जी। तो उस बंदे दी पुछगिछ जारी है जी, साडे कोल रिमांड ते आ ते उहदी गिरफ्तारी हो चुकी आ ते जिहड़े पैसे सीगे उहने लैके गया उत्थों रात नूं इह तकरीब 2,24,000 रुपया हैगा जी। बाकी पैसों की असीं कोशिश कर रहे हां, पुछगिछ जारी आ, सानूं आस आ कि भी जल्दी जिहड़े बाकी अमाउंट उह भी बरामद हो जूगी। तो मेन इहदी गल इक होर ध्यान 'च लिआउंदे आ, असीं इस आधार पर पूछगिछ भी कर रहे हैं कि यह बंदा जिहड़ा होर किन्नियां क वारदातों में इहदा शमूलियत हो सकती आ, यह गल भी असीं पूछगिछ करांगे। इहदा पुराना रिकॉर्ड भी देखिया जा रहा। इस तों इलावा असीं आस पास पुलिस स्टेशनां नूं इहदी वैरस करती आ कि हो सकदा इस तरह दीआं सेम वारदातां कितें पेंडिंग पई होवे, उह थाणे वाले इहदी रिमांड ते जा के इहदी पूछगिछ कर सकदे आ। सर जिहड़ा भगवान दास जिहड़ा भगवान दास जिस दे नाल मतलब चोरी जिहदे करे उस नाल कुटमार भी कीती गई है, पर सानू 3 लाख लिखाया जी उन्होंने असी आप इस तरह जी उन्हें 4,20,000 अंदाजा किया, सानू उन्हें 3 लाख रुपया करेक्ट किया है। कोई गल नहीं जी, 4,20,000 तो एक एप्लीकेशन ले लें उन्होंने को, तो दोषी भी साढ़े कोल आ, उसकी पूछगिछ चलती आ, तो आमो सामने भी किया जा सकता है। ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਆ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਪੇਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ।
फिलहाल नहीं है जी, अगर होया तो लाजमी सामने आऊगा। फरीदकोट तो सूरज की रिपोर्ट। अलीशा बेगम, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे वस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स। 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी। जा कहने तो बाहर है, तुरंत संपर्क करो। तो हड्डी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।